मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी चुनावी साल में पहली बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वे शनिवार सुबह 11 बजे शाजापुर के कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलाईकला आएंगे। यहां विधायक जीतू पटवारी की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां वे करीब 2 घंटे रहेंगे। दावा है कि सभा में 70,000 से अधिक लोग पहुंचेंगे। सभा के बाद राहुल गांधी कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भी रूबरू होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगमन की तैयारी शुक्रवार शाम तक पूरी हो चुकी है। यहां 2 हेलीपैड और डोम लगाए गए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बन्ना ने बताया कि 1.5 लाख वर्ग फीट में टेंट बनाया गया है। इस आम सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि आम सभा में आसपास की 10 विधानसभाओं से लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए आएंगे। शुक्रवार को शाजापुर पहुंचे कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि राहुल गांधी का आगमन ऐतिहासिक कदम होगा। ये जनता का जन आक्रोश है। यह जन आक्रोश है पीड़ित किसानों का। यह जन आक्रोश है बिकती नौकरियों का। इसमें इस बार भाजपा सरकार बह जाएगी। इसके लिए राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में बदलाव लेकर आएंगे। वे भाजपा की दमनकारी नीतियों से जनता को राहत दिलाएंगे। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।